जी हाँ नमस्कार दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दरअसल बड़ी खबर के दौरान कल रविवार को एक नदी से बड़ा ही मामला देखने को मिल रहा है। इस घटना के दौरान 5 जनों को मृत घोषित कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि जबलपुर में भाजपा के पूर्व ग्रामीण जिला अध्यक्ष का इकलौता बेटा और उसके दोस्त को नर्मदा नदी के दौरान घोषित कर दिया गया है, और जबकि दूसरी घटना में 3 दोस्तों को अजनाल नदी के दौरान मृत घोषित किया गया है। यह पूरा मामला मध्य प्रदेश से निकल कर आ रहा है और पहली घटना जबलपुर में सुबह 10 बजे की बताई जा रही है। भाजपा के पूर्व ग्रामीण जिला अध्यक्ष शिव पटोल के इकलौते बेटे अतुल पटेल 24 वर्षीय अपने दोस्त के साथ नर्मदा नदी के दद्दा घाट पर नहाने गए हुए थे। एक दोस्त अनुराग लोधी उर्फ सत्यम 23 वर्षीय को तैरना नहीं आता था और वह तैरने के लिए चला गया, लेकिन बचाने के चक्कर में ही अतुल को भी मौके पर मृत घोषित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों की सूचना के बाद गोताखोर मौके पर पहुंचे हैं और पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया है। आधे घंटे की मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाल लिया गया। दरअसल दूसरी घटना हरदा जिले के अजनाल नदी की है, जहां पर 3 दोस्त नहाने के लिए आए थे और इसी दौरान हरदा SDOP अर्चना शर्मा मौके पर पहुंची है और तीनों की पहचान सोनू पिता लखनलाल बघेल, तिलक पिता दिनेश चोरे और मोहित पिता विजय बामने के बारे में कर ली गई है। और जबकि बताया जा रहा है कि इस घटना के दौरान मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी और मौके पर तीनों को मृत घोषित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि अब इस दोनों मामलों में जांच पड़ताल की जा रही है। तो दोस्तों बड़ी खबर थी, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट अपनी राय जरूर दें।